पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दो मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी में खेला जा रहा है। इस मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज सऊद शकील ने ऐसा रिकॉर्ड बना डाला जिससे इस वक्त सबके होश उड़े हुए हैं। बता दें कि सऊद शकील ने 65 साल पहले बने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो चलिए जानते हैं बने रिकॉर्ड के बारे में। नमस्कार, मैं रिजू रॉय और आप देख रहे हैं DNP स्पोर्ट्स। बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस वक्त दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रही है। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांटो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ऐसे में बांग्लादेश ने ज़बरदस्त शुरुआत भी की थी। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने पाकिस्तान को उन्हीं के घर में संघर्ष करवाया, जिसके कारण पाकिस्तान का स्कोर एक वक्त 16 रन पर 3 विकेट तक था और पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर कहे जाने वाले बाबर आजम तो खाता भी नहीं खोल पाए। वहीं हाल ही में बने नए पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद सिर्फ 6 रन बनाकर ही चलते बने। इसके बाद सईम अयूब और सऊद शकील ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अर्धशतक पूरे किए। हालांकि सईम 56 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सऊद शकील 72 रन पर नाबाद रहे। पहली पारी का खेल खत्म होने तक 54.1 ओवर में पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 212 रन बनाए। सऊद के साथ मोहम्मद रिजवान नाबाद 62 रन तक खेले। बता दें कि सऊद शकील ने अपनी इस पारी से एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नाबाद 72 रन की पारी के साथ सऊद शकील ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे कर लिए। इसी के साथ उन्होंने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर सईद अहमद के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। बता दें कि सऊद शकील पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले जॉइंट फास्टेस्ट बल्लेबाज बन गए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 20 पारियों में ये कारनामा कर डाला। वहीं सईद अहमद ने ये माइलस्टोन 1959 में कराची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 20-20 पारियों में 1000 टेस्ट रन बनाए हैं। ऐसे में देखना होगा कि सऊद शकील और क्या क्या कारनामे करते हैं। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए DNP स्पोर्ट्स।